नमस्कार, आज मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक आपने ट्रांजेक्शन्स करके अपने गांव वालों को बैंक की सुविधाएं दी हैं और अब से आप अपने पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति को लोन भी दे सकते हैं। जी हाँ, आप अपने दुकान से आसानी से अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को लोन भी दे सकते हैं। जो कस्टमर लोन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपके दुकान से CSP ऐप के माध्यम से कोई भी 3 ट्रांजेक्शन किया है तो आप उनकी CIBIL की योग्यता जांच करें। तो आप देख सकते हैं, हम CSP ऐप के मेन पेज पे हैं। यहाँ पे इंस्टेंट CIBIL का जो आइकॉन दिख रहा है उस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्राहक के आधार कार्ड के नंबर की जानकारी डालनी है। जैसे ही आप आधार कार्ड के नंबर की जानकारी यहाँ पे डालने के बाद आप EKYC पे क्लिक कर दें। EKYC के आइकॉन पे क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें EKYC एग्रीमेंट की सहमति के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस दिख रही हैं आपको, आप इस पर टिक कर दें और टिक करने के बाद यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करते ही आपसे ग्राहक के अंगूठे को स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप ग्राहक के अंगूठे को बायोमेट्रिक डिवाइस से जैसे ही स्कैन करेंगे, आप देख सकते हैं आपके आगे एक नया पेज आ जाएगा जिसमें कि ग्राहक से जुड़ी कुछ जानकारियाँ पहले से मौजूद हैं और कुछ आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको पहले यह जानकारी का चुनाव करना है कि ग्राहक कैश लोन लेना चाहते हैं या प्रोडक्ट लोन लेना चाहते हैं। अगर वो कैश लोन लेना चाहते हैं तो आप कैश लोन पे सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट लोन लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लोन पे सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्राहक के मैरिटल स्टेटस की जानकारी देनी होगी और उनके माता का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर उनकी शादी हुई है तो उनके पति या पत्नी का नाम, उनका जन्मतिथि और उनकी एज की जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। जानकारी डालने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ग्राहक के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एड्रेस यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। उसके बाद जैसे ही आप CIBIL चेक पे क्लिक करेंगे, आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप निश्चित हैं कि आप CIBIL की योग्यता जांच करना चाहते हैं। तो आप यस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि आपको यह जानकारी दिख जाएगी कि ग्राहक लोन के लिए योग्य है या नहीं है, और अगर लोन के लिए योग्य है तो कितने रकम तक के लोन के लिए योग्य है, यह जानकारी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर ग्राहक की CIBIL योग्यता आ जाती है तो आप उनके 3 से 12 महीने तक का पासबुक या स्टेटमेंट हमारे CSP ऐप के माध्यम से अपलोड करें। 48 घंटे के अंदर अंदर हम आपको और ग्राहक को उनको कितना लोन मिल सकता है इसकी जानकारी दे देंगे। तो आप देख सकते हैं, हम CSP ऐप के मेन पेज पे हैं। यहाँ से अब आपको ग्राहक का अपडेटेड बैंक पासबुक या स्टेटमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड बैंक डॉक्स का जो आइकॉन है उस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट होल्डर में नॉन मेंबर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नेम एज पर आधार, यानी कि उनके आधार कार्ड के मुताबिक जो उनका नाम है वह आप यहाँ पे डाल दें और उनका मोबाइल नंबर जो है वह आप यहाँ पे डाल दें और उनके अकाउंट नंबर की जानकारी भी आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आप अगर उनका स्टेटमेंट आपके पास PDF है तो आप PDF फाइल अपलोड कर दें, या फिर अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। आप जैसे ही PDF पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो मोबाइल में मौजूदा PDF है वो आपको दिख जाएंगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप उनके स्टेटमेंट या बैंक पासबुक की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप इमेज पे क्लिक करके नीचे आपको जो दिख रहे हैं उस पे एक एक करके क्लिक करके आप फोटोस ले सकते हैं। तो इस तरह सारी फोटोस ले लें। फोटोस लेने के बाद आपको जो अपलोड का आइकॉन दिख रहा है उस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको ग्राहक का इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट खोलना होगा और उसमें 2000 रुपये जमा करवाने होंगे और उसके साथ ही ग्राहक का 200, 300 या 400 रुपये का RD अकाउंट खोलना होगा और उनसे पहली किस्त जमा करवानी होगी। याद रखें, ग्राहक को इंडसइंड बैंक के सेविंग अकाउंट में 2000 रुपये का बैलेंस तब तक रखना है जब तक उनको लोन नहीं मिल जाता, और 4 RD की किस्तें समय पर जमा करने के बाद ग्राहक के इंडसइंड बैंक के सेविंग अकाउंट में लोन डिसबर्स किया जाएगा। ग्राहक को इंडसइंड बैंक के सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखना होगा ताकि RD और लोन की किस्तें काटी जा सकें।